स्वतंत्रता पूर्वक रहे. अकॉर्डिंग टू द पोयम वी सी दैट द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज. देयर शुड बी अ कंट्री लाइक वेयर पीपल लिव विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फियर एंड विदाउट प्योर डिग्निटी. एक ऐसे मुल्क की उन्होंने ख्वाब देखा जहाँ पर लोग बिना किसी डर और दहशत के रहे. दे शुड नॉट बी फेल्ट सप्रेस्ड बाई एनी अथॉरिटी. मुल्क के लोग किसी भी तरह से किसी के दबाव में ना रहे, कोई हमें दबा के ना रखे. द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी सीम्स वेल रिस्पेक्टिव हियर. नेक्स्ट द एजुकेशन शुड बी एसेसिबल टू ऑल रिस्पेक्ट टू देयर कास्ट क्रीड रिलीजन एंड सो. यहाँ पर एक ऐसा एजुकेशन हासिल करने का माहौल मिले जहाँ पर किसी भी प्रकार से जात का, धर्म का और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो. तो इस पोयम के जो उन्होंने लिखा, उन्होंने तो ख्वाब बहुत अच्छा नेक दिल्ली के साथ देखा था. बहुत ऊंचा ख्वाब देखा था कि हमारा मुल्क दुनिया में ऐसा बने जहाँ सभी तरह के लोग शान से रहे, किसी भी तरह का कोई बंधन और दबाव नहीं रहे. लेकिन आज हम देखें, आज हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है. जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र का ख्वाब देखा था, लोकतंत्र कुछ एक मजहब के लिए बन के रह गया है. वहाँ पर दूसरे मुल्क के दूसरे लोगों को दबाने का काम किया जाता है. वो जो आज़ादी थी ब्रिटिश कॉलोनी की, उसके अंदर इतना डर नहीं था जितना डर आज हमारे स्वतंत्र मुल्क में, हमारे यहाँ के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए. आज देखो पूरे देश के अंदर जातिगत भेदभाव, धार्मिक झगड़े, भाषाई झगड़े, हम देखा आए दिन हजारों सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही है. अब हमको सोचना होगा कि हमें कैसा मुल्क चाहिए. उसके लिए ये करना होगा कि जहाँ पर एक तरफ देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो कि अपने आप को एकजुट रख रही है, उससे लड़ने के लिए बाकी देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा. चाहे वो कोई भी धर्म के हो, मजहब के हो, जाति के हो या कोई भी भाषा को, ऐसी शक्तियों को लड़ने का एक ही तरीका है कि बाकी के जो 50% 60% लोग हैं वो इनसे लड़ने के लिए एकजुट हो जाए, तभी हम इस मुल्क की आज़ादी को बनाए रखेंगे. वरना हमको दोबारा से गुलाम बनने में कोई नहीं रोक सकता. जय हिंद, जय भारत. I don't know.